साउथ में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पर बनी हनुमान फिल्म में तेज सज्जा ने फिल्म में लीड रोल निभाया है, जबकि निर्देशन प्रशांत वर्मा का है। फिल्म की कथा भी निर्देशक प्रशांत वर्मा ने लिखी है। भले ही कहानी काल्पनिक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सुपरहीरो के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कहानी में गूंथा है, जहां सुपरहीरो अपनों को खोकर भी लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचता है। विजुअल इफेक्ट्स में बनी बजरंग बली की विशाल प्रतिमा के सामने शूट हुआ फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली है। अभिनय की बात करें तो तेजा सज्जा अपने संतुलित अभिनय से हनुमंत और हनुमान दोनों ही भूमिकाओं को एक दूसरे से बेहद अलग दर्शाने में सफल रहे। उनकी बहन की भूमिका में वलक्ष्मी का काम दमदार है। अमृता अय्यर मीनाक्षी के भूमिका में हनुमंत की प्रेमिका के रूप में है। हनुमंत के दोस्त कसी की भूमिका में गेटअप श्रीनु और दुकानदार गुणेश्वर राव की भूमिका में सत्या जब भी पर्दे पर आते हैं चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुपरहीरो के सामने सुपर विलेन की भूमिका में विनय राय खतरनाक और स्टाइलिश लगते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जहां एक बच्चा माइकल सुपरहीरो बनना चाहता है। जब माइकल बड़ा होता है तो उसे एहसास तक नहीं होता है कि वो सुपरहीरो से कब सुपर विलेन बन चुका है। उसे वह शक्तियां चाहिए जो सुपरहीरो में होती हैं। वहां से कहानी अंजनाद्री पहुंचती है, जहां हनुमंत अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है। हनुमंत कमजोर है, अक्सर उसकी पिटाई हो जाती है। हनुमंत के बचपन के प्यार मीनाक्षी पर एक दिन हमला होता है। उसे बचाने में हनुमंत समंदर में जा गिरता है। वहां उसे रुद्रमणि मिलती है। इसे पाने के बाद उसमें भगवान श्रीराम भक्त हनुमान की शक्तियां आ जाती हैं। माइकल को उसकी शक्तियों की भनक लगती है। क्या माइकल रुद्रमणि के बारे में जान पाएगा? हनुमंत अपने शहर अंजनाद्री को कैसे बचाएगा? ये सब जानने के लिए आप अपने नजदीकी सिनेमा घर में पूरा फिल्म जरूर देखें। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।